हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बीस्ट। आज हमारे पास आ गया है गूगल पिक्सल 7a। करेंगे फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू शेयर करेंगे कि आपको परचेज करना चाहिए वाला फोन की नहीं। तो ये रहा बॉक्स गूगल पिक्सल 7a का। फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं बॉक्स को चेकआउट। बॉक्स की बात करें तो वही मिलता है हमें स्लिम बॉक्स, यानी इसमें चार्जर या अडेप्टर नहीं होगा। साइड प्रोफाइल की बात करें अगर बॉक्स की, तो एक तरफ मिल जाता है हमें गूगल और दूसरी तरफ पिक्सल 7a। लेट्स अनबॉक्स। तो अनबॉक्स करते हैं, हमें टॉप पे मिलता है हमारा फोन। निकालते हैं इसको बॉक्स से बाहर, तो हमें देखने को मिलता है जी क्यूब, एक गूगल की बैजिंग हमें मिल जाती है फोन पर, एक बॉक्स पर और एक डॉक्यूमेंट बॉक्स पर। काफी अच्छा डिजाइन लग रहा है, फ्यूचर प्रूफ डिजाइन। अभी फोन को चेकआउट करेंगे, बॉक्स के कंटेंट को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले ये लग रहा है डॉक्यूमेंट बॉक्स, इसमें भी गूगल का लोगो है। पीछे सिम इजेक्टिंग पिन। सिम इजेक्टिंग पिन की बात करें तो ये लग रही है गूगल मैप्स की जो लोकेशन पिन होती है ना, उसकी तरह ही पिन लग रही है। चेकआउट कर ही लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या मिलते हैं हमें, एक ब्लू कलर का और एक व्हाइट कलर का। डॉक्यूमेंट्स को एज यूजुअल साइड पे रखते हैं। साथ ही में मिलता है बॉक्स के अंदर क्विक स्विच अडेप्टर। आजकल ये किसी फोन में नहीं मिलता, बट गूगल दे रहा है, अच्छी बात है। फाइनली बॉक्स के अंदर मिलता है हमें USB-C to USB-C केबल। अडेप्टर नहीं है, बट कोई नहीं, प्लेनेट को सेव करते हैं। अब चेकआउट करते हैं हमारे गूगल पिक्सल 7a को। लुक्स के अंदर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ये। साइड्स पे देखो तो आप एल्युमिनियम साइड्स मिलती है, एकदम मेटेलिक फ्रेम मिलता है आपको, बहुत अच्छा लगता है। अभी तक होल्ड करने में एक प्रीमियम फील तो आ रही है। हटाते हैं इस पेपर को और चेकआउट करते हैं हमारे गूगल पिक्सल 7a को। बिल्ड की बात करें तो हमें मिलता है ग्लास फ्रंट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ, एल्युमिनियम फ्रेम, बट प्लास्टिक बैक है। बट कहीं से भी आपको टच एंड फील करने में या फिर देखने में ऐसा नहीं लगेगा ये प्लास्टिक है, एकदम ग्लास वाली फील दे रहा है ये। जो बैक से डिजाइन है ना गूगल पिक्सल 7a का, वो काफी फ्यूचरिस्टिक लुक के साथ आता है और एकदम ये बढ़िया प्रीमियम फोन की तरह ही आपको लगता है होल्ड करने में, जो इसको काफी एक अच्छी चीज बना देता है। अगर इसको हम चेकआउट करते हैं बैक से, तो इस पर मेंशन मेड इन वियतनाम। सेंटर में हमें मिलता है गूगल का लोगो, तो काफी अच्छा लगता है। और जो USPS फोन की वो इसकी है, जो कैमरा स्ट्रिप काफी एकदम ऐसे लगता है कोई फ्यूचर से फोन आ गया, ऐसा डिजाइन बनाया है गूगल ने। बैक से डिजाइन के लिए तो गूगल को 10/10 है। एंड वे अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो एल्युमिनियम फ्रेम के साथ जो फोन है ना, व्हाइट कलर प्लस एल्युमिनियम का जो ग्रे कलर होता है, वो काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और फोन काफी प्रीमियम लग रहा है। राइट साइड हमें देखने को मिलता है पावर ऑन एंड ऑफ बटन एंड वॉल्यूम अप एंड डाउन की। साइड में मिलती है आपको सिम ट्रे एंड नीचे की साइड मिलते हैं आपको स्पीकर ग्रिल्स प्लस USB टाइप सी पोर्ट। अच्छा फोन है, 3.5mm जैक है नहीं इसमें। आजकल वो हर फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 3.5mm जैक को देती ही नहीं है। फटाफट से करते हैं फोन को टर्न ऑन। एंड फर्स्ट टाइम बूट होने में इसने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाया। जो फर्स्ट टाइम इनिशियल इंप्रेशन आ रहा है ना फोन से, वो मुझे आ रहा है इसके बेजल फुल डिस्प्ले का। फर्स्ट ऑफ ऑल बात ही कर लेते हैं डिस्प्ले की। इसमें भी मिलते हैं फुल HD+ OLED स्क्रीन, HDR का सपोर्ट और सबसे बड़ा अपग्रेड जो गूगल ने किया है, गूगल पिक्सल 6 में आता था 60Hz का रिफ्रेश रेट, अब आता है वो 90Hz का रिफ्रेश रेट। उनके साथ हमें मिलती है IP67 की प्रोटेक्शन। और स्क्रीन साइज की बात करें तो वो मिलता है 6.1 inches। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के साथ, LPDDR5 रैम, UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है इस फोन के साथ। स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जो इसके स्पीकर्स है ना वो काफी लाउड है, इनफैक्ट बेटर देन पिक्सल 7 क्योंकि इससे प्रीमियम फोन है। बट जो इसके स्टीरियो साउंड्स है ना, दोनों स्पीकर से जो आती है, उसमें ज्यादा बेस है और ज्यादा पंची है वो गूगल पिक्सल 7 से। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। इसमें हमें मिलता है गूगल की टेंसर G2 चिप। CPU की बात करें तो ऑक्टा कोर एंड GPU माली G710MP7। एंड गूगल की चिप से एक ही शिकायत है कि फोन हीट हो जाता है। अगर आप ज्यादा यूज करते हो कैमरा को या फिर गेम खेलते हो, तो फोन जो है वो काफी जल्दी, जिसे कह सकते हो आप, हीट हो जाता है। ज्यादा देर फोन को यूज करने के बाद हर एक फोन जो है वो हीट हो जाता है, बट जो इसके टाइम है ना हीट होने का, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, ऐसा अभी तक मुझे फील हो रहा है। इनकेस अगर कोई फ्यूचर में अपडेट आए गूगल की तरफ से, अगर इस इशू को सॉल्व कर पाए गूगल, तो काफी अच्छी चीज रहेगी वो। इनफैक्ट बेटा वर्जन पे अपग्रेड कर रहे हो एंड्रॉइड 14 के 6a के अंदर, तो उसका जो हीटिंग इशू है ना वो कम हो रहा है। तो यही होप कर सकते हैं, या तो गूगल कोई अपडेट लेके आए, या फिर एंड्रॉइड 14 पे अगर हम अपडेट करेंगे 7a को, तो उसका जो हीटिंग इशू है ना, जो ज्यादा जल्दी हीट हो रहा है फोन, वो मेरे ख्याल से सॉर्ट हो जाएगा। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि एंड्रॉइड 14 पे आप अपडेट कर सकते हो, क्योंकि हमें मिलता है 3 साल का एंड्रॉइड वर्जन अपडेट्स एंड 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स कि गूगल ने गारंटी दिया, आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। एंड अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ये 5G है कि नहीं, तो इसमें भर भर के 5G बैंड दिए हैं गूगल ने, कोई चिंता नहीं है, 5G नेटवर्क्स भी अच्छी तरह से आ रहे हैं। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल एंड वो काफी फास्ट है, फिंगर प्लेस करते ही फोन जो है अनलॉक हो जाता है। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो।
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें मिलता है 5.3 NFC इसमें इंक्लूडेड है, USB टाइप सी 3.2, पिक्सल 4 जाने जाते ही है कैमरे के लिए। कैमरे की बात करेंगे उससे पहले बात करते हैं बैटरी की। जो हमें बैटरी मिलती है ना वो है 4385 mAh की बैटरी, जो कि लास्ट ईयर से जो 6 से था उससे कम हुई है। बट जो फोन का वेट है ना वो भारी हुआ है 193.5 ग्राम्स का, और जो थिकनेस भी है ना वो 9 mm की थिकनेस हुई है, जो 6 से आया था उसमें थी 8.9 mm की थिकनेस। ज्यादा फर्क नहीं है, बट जो वेट है ना वो इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा भारी लगेगा ये फोन, बट फिर भी जो इसका वेट है वो 6 से थोड़ा इंक्रीज हुआ है। एंड अगर बात करिए कितने वॉट का चार्जर या अडेप्टर को सपोर्ट करता है, अडेप्टर है वो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड जो इस बार वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी इस बार इंक्लूड किया है, चार्ज करता है 7.5 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। एक और जो अपग्रेड हुआ है ना, एक मेजर अपग्रेड वो हुआ है कैमरा में। इस बार इंक्लूड किया है 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। वही अगर कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा मिलता है हमें डुअल कैमरा सेटअप के साथ 64 मेगापिक्सल का और एक 13 मेगापिक्सल का। f1.9 26 mm वाइड डुअल पिक्सल PDAF OIS 13 मेगापिक्सल, f2.2 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड। वही फीचर्स की बात करें तो हमें मिलता है डुअल LED फ्लैश, पिक्सल शिफ्ट, ऑटो HDR। वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो दोनों ही कैमरा से, मेन कैमरा से एस वेल एज सेल्फी कैमरा से 4K में। फर्क सिर्फ इतना है कि आप मेन कैमरा से 4K एट 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो, बट सेल्फी कैमरा से 4K एट 30 FPS तक। सेल्फी कैमरा भी मिलता है आपको 13 मेगापिक्सल का, ऑटो HDR का फीचर उसमें मिल जाता है, और 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सेल्फी कैमरा से भी। कैमरा की एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें वीडियोस, पोर्ट्रेट मोड्स और जितने भी फीचर्स आते हैं कैमरा से रिलेटेड वो उसमें शेयर करेंगे। कुछ मैंने सैंपल शॉट्स लिए बिना फिल्टर के, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ फोटोज एंड कुछ वीडियोस हैं। बाकी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी गूगल पिक्सल 6a वर्सेस गूगल पिक्सल 7a, दोनों का करेंगे कंपैरिजन और डिस्कस करेंगे इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन है वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thanks for your time. Check the mic and make sure it sound right, boys.